ਵੱਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੋਂ ਕਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਸੱਤਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਵ ਪਾਪੂਲਰ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਨਾ ਚੰਦ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਹੋਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੋਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿ 70 ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਾ ये जो काला महफूज करने में मुश्किल होती है आपको समझ नहीं आती वो महफूज करना पड़ता है उसको कहीं ना कहीं फ्रिज में किसी जगह पे अच्छी जगह रखते हैं तो महफूज होता है ना कैसे महफूज करने का अच्छा आपको तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगना चाहिए आगे जाकर 7-8 दिनों में नवाज़ साहब की मफलूरी खत्म हुई है मुजरमपन खत्म हुआ है इसके अलावा अल अज़ीज़िया एवन फील्ड फ्लैगशिप सारे खत्म हुए एक मोहसिन नकवी दूसरा वो जो आपका आईजी है तीसरा जो चीफ सेक्रेटरी होगा मेरे ख्याल में तकरीबन 3 महीने पहले आपके पास शो में आया था उस वक्त आपने एक सवाल उस पर किया था कि क्या बल्ले का निशान बैलेट पे होगा तो मैंने आपसे कहा था टूटा हुआ बल्ला होगा आखिर रिलीफ अदालत है लेकिन ये इलीट क्लास की अदालतें हमारी हमारे लिए कुछ भी नहीं है छुट्टी वाले दिन खुलें रात को खुलें घर इंसाफ को इमरान खान की मकबूलियत दावा करते हैं बिल्कुल है तरीके इंसाफ का वोट बैंक बिल्कुल है लेकिन पिछले ये जो साथ साथ नारे मारते थे लेके रहेंगे आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी किधर है वो कि 4 साल में शबाज शरीफ गारंटर था किसी एक अदालत ने वैसे ही बुला लेते कि भाई भाई जानो तुमने गारंटी देती और फिर जब नवाज शरीफ वापस आए तो वही इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो कह रहा था निजाम की तस्दीक करके गए झूठ बोल के गए वहां से एक रिमार्क ऐसे ही होता है ना वो भाई आप किधर थे नाज़रीन आज मंसूर अली खान ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात करते हुए कहा कि मैंने अनवारुल हक काकड़ से कहा कि आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे इस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं सब पार्टियों को यकसां मौके मयसर हैं इस पर मंसूर अली खान ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे हर शख्स की जो पोजीशन है ना वो याद रखी जाएगी इस वक्त टीवी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सारा कुछ सबकी पोजीशन रिकॉर्ड हो रही है कि वो क्या कह रहा है क्या वो जस्टिफाई कर रहा है देर आर पीपल जो यहाँ पे मौजूद है जो इसको बार बार कंपैरिजन करते हैं देखिए 2018 में भी ये हुआ था 2018 में भी हुआ था पहली बात तो इससे कम हुआ था इस मरतबा ज्यादा हो रहा है 2018 में भी पार्टी थी कोई कंपैरिजन नहीं कर रही थी जलसे कर रही थी टिकट ले रहे थे इलेक्शन लड़ रहे थे पंजाब स्वीप कर रहे थे नॉमिनेशन पेपर्स उनकी जेबों में होते थे वकील गायब नहीं होते थे सारा कुछ है लेकिन उसको इस तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जी चूंकि उस वक्त भी अगर होता था वो उस वक्त भी गलत था अगर जो कुछ हो रहा था अगर लीडरों को उठा के जेलों में डाला जा रहा था और अब भी गलत हो रहा है अगर इसको कहा जाएगा अफसोस की बात यह है मैं ये कह सकता हूं बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर का आज मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की मैंने उनको बताया मैंने कहा आपको पता है कि अगर आप लाहौर के अंदर आप यू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बगैर प्रोटोकॉल के एक आम गाड़ी के अंदर पीटीआई का झंडा लेकर अगर आप गाड़ी में बैठेंगे ना तो लाहौर में आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे उन्होंने आई टोल्ड देम उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है मेरा ख्याल में तो सबको आजादी है सारे जो है वो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का शायद बताया नहीं जा रहा है आपको आइडिया नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन है लाहौर वो मानने को तैयार नहीं है सर वट एवर इज द केस वट एवर मैं चले झंडा तो बहुत दूर की बात है मेरे ख्याल में तो आप गाड़ी के अंदर जो है ना वो पीटीआई की फेवर का ऊंचा गाना लगा के सड़क नहीं क्रॉस कर सकते आपको पकड़ लिया जाएगा मुझे लगता है आपको पकड़ लिया जाएगा ये बहुत बुरे टाइम्स हैं और ये अगर एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि अगर झंडा लगाएंगा गिरफ्तार हो जाएंगे अगर म्यूजिक लगाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनको कैंपेन भी करनी चाहिए जाके जबकि इन हालात में सारे अंदर बैठे नहीं आपको यू हैव टू ब्रेक वो जैसे खान साहब ने बोला था यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ना वरना तो आप इस तरह मार खाते रहे मतलब बैठे रहे या तो आप नंबर थ्रू प्रोग्राम एहतजाज करें बाहर निकलें आपका राइट है कैंपेन करें आपका राइट है लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो प्रोएक्टिव ये नहीं हो सकता फॉर गॉड से गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी ये जी सोशल मीडिया पे चार ट्वीटें मैंने कर ली मैंने अपना काम कर लिया ये वाला ट्रेंड में टॉप के ऊपर ले आया गेट आउट ऑफ दैट आपको फील्ड के अंदर जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना द गेम इज गॉन नाउ एंड इट्स गोइंग टू गेट वर्स सीइंग इससे भी ज्यादा बुरा हालात होंगे आने वाले वक्तों में आप एग्री करते हैं हां बिल्कुल करता हूं और इससे भी करता हूं कि ये इन्होंने जो कुछ कहा है कि सोशल मीडिया ट्रेंड चल गए फाइन सोशल मीडिया पे आप छा गए फाइन आप बहुत पॉपुलर हैं फाइन आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है अगर 50% भी फेयर इलेक्शन हो नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है लाहौर में आप हार जाएंगे आखिर मोशन लगा रही हमारे पास आखिर एक है सारे एक तरफ थे एक तरफ थे वो जीत गए तरीके इंसाफ के लाहौर में आप ठीक है लेकिन क्या ये आप कोई है कि जो फ्रूट पका हुआ है दरख्त अपने घर में है कुछ है फ्रूट लेने वाला नहीं और कोई क्या कब क्या करेगा वो करना क्या चाहते हैं एक ट्वीट करके एक चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें ये एक अनदर बुजदार है पार्टी पे गोर खान और एक बैड चॉइस है और मुझे नहीं लगता पता होना चाहिए अहमद खान साहब को मेरा ख्याल है लीड करनी चाहिए थी अहमद खान साहब ने हालांकि खुद कहा रिफ्यूज किया लेकिन उनको लीड करनी चाहिए थी इवन इससे बेहतर थे अगर लतीफ खोसा आ जाते वो नहीं मैं कह रहा हूं ये कब से इमरान खान के बचपन के तरीके साहब के झंडे उठा के फिर रहे थे ये या बुजदार कौन सा बचपन से इलेक्शन पे वो जो पूरा पंजाब दे दिया था तो वो ज्वाइन करने के लिए होता है टाइमली होता है कि राइट चॉइस होती है वो इसके अलावा अली मोहम्मद खान को दे सकते थे किसी को भी दे सकते जेल में पड़ा रहता कुछ भी हो जाता तो ये तो खैर से ये भी आंखों सारे जेल ही नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं मैं तो चाहता हूं जेल से बाहर आ जाए सिवाय आपके
लेकिन इशू ये है कि आप जाते नहीं, वो बाहर आते नहीं. तो अब ये है कि ये मंसूर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस मुल्क का कानून ना तोड़ें, आप बिल्कुल भी कोई गैर कानूनी हरकत ना करें, लेकिन यार ये इस तरह किस तरह हम भी कह के थक गए, आप भी कह के थक गए कि उन्होंने तो है ही कोई नहीं. उन्होंने अब रेस में अकेले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब का दौड़ रहे हैं. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला हरा कर वजीर दूसरी पोजीशन हासिल. असल सवाल, असल मसला होगा फिर भी दूसरी पोजीशन हासिल जो उनका हाल है तीसरी पे होंगे, लेकिन तीसरी वाला भी जीता हुआ होगा, पहले दो है ही नहीं. ये जो आर्गुमेंट आ रहा है झगड़ा साहब कि यू नो डिफाइंस होती है, यू नीड टू कम आउट एंड शो के पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में, खासकर केपी में तो नजर आ रहा है जैसे आप कह रहे हैं जलसे हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं. यू अग्री विद देम कि पंजाब इज लुक्स लीडरलेस? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में व्हेन यू आर इन द मोमेंट ना तो हमेशा केओस ज्यादा लगती है. मैंने आपको पिछले 6-7 महीनों की मिसाल दे दी. फ्रेंकली काशिफ, हम सब बैठे होते जून में एक प्राइवेट गैदरिंग में, कोई भी ना समझता कि दिसंबर में पीटीआई की ये पॉपुलैरिटी होगी. इतना तो मान लेना. जून कौन से साल की बात कर रहे हैं आप, 22 की या 23 की? इसी साल. नहीं नहीं, इसी साल की बात कर रहा हूं, जब ये क्रश पीटीआई ऑपरेशन शुरू हो गया था. मेरे ख्याल में सबका ख्याल ये था कि महीने में, दो में, तीन में पार्टी खत्म हो जाएगी. ठीक है, दिसंबर में उसकी मकबूलियत ज्यादा है. प्रिडिक्शन ये जनवरी में हालात मुश्किल हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनवरी में आप देखेंगे पंजाब में भी लोग निकलेंगे. आज कहीं कहीं लोग जो है, बहुत सी जगह लोगों को रोका गया है, कहीं कहीं लोग निकले हैं और उन्होंने जबरदस्ती अपने फॉर्म्स जो है वो जमा कराए हैं. जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए थी, डेमोक्रेटिक राइट. आपने नामजदगी जमा कराए झगड़ा साहब? अब आप मेरे लिए प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह कल कर दूंगा. मुझे उम्मीद है, मैंने सुना है कि डीसी पिशावर को कहा गया है कि एक 3 MPO की लेस दे दे. मैं डीसी पिशावर को यही कह सकता हूं कि मेरे पास एक बार बेल नहीं है, दो बार है, क्योंकि दो केसेस है. एक बार बेल की, अब पता नहीं कि इन्होंने कितने केसेस जेब में रखे होते हैं, तो दोबारा कोर्ट गया कि जी अगर कोई और केस है तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा केसेस ले आए, तब तक इनको ना टच किया जाए. डीसी साहब, कोई अहम लीडर जिसको आप, जिसने कोशिश की और उसको नामजदगी, कागजाते नामजदगी ना जमा कराने दिए गए, वो केपी से है? केपी में एक दो इंसिडेंट जरूर हुए. हमारे एमपी है पख्तून यार खान बनू के, जो कि अक्रम दुरानी साहब के मुखालिफ है. पख्तून यार खान को कोर्ट से निकलते हुए कल 3 MPO में डीसी ने अरेस्ट किया. जी, ये मेरे पास उनका नाम है, केपी से एक ही नाम है मेरे पास जिनके साथ ही बाकी कहीं कहीं जैसे कल मेरे हल्के में पेपर्स नहीं थे, एक हल्के में थे, एक में नहीं थे. ऑब्वियसली केपी में पंजाब का हाल नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका एक इम्पैक्ट रहा है कि केपी में लोग निकल गए. तो मुस्लिम लीग नून जिसके पास इतनी खुली फील्ड मौजूद है, बड़ी सा बात नहीं, वो बहुत ज्यादा खुली फील्ड मौजूद है, उनका दिल करे तो अकेले भागते 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 पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं, उनके साथ भागने वाले कोई नहीं, वो खामोश बैठे हैं आखिर क्यों? अच्छा, मैं ब्रेक से पहले वो बात करने लगा था लेकिन आपने ब्रेक पे जाना था. अब यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वी कैन ऑल मेक फन ऑफ दैट, वी कैन, वो उनको वो बूट पॉलिशिया कहते थे, व्हाटएवर इज द केस, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक शिबाज शरीफ मिस नहीं कर रही होगी, एक ऐसा शख्स जो एक्चुअली इस चैनल को बूट पॉलिशिया कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा खान साहब कहते थे, खान साहब कहते थे, तो वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रखते थे ना वो हमेशा, और वो कहते थे जी तुझे मैंने जो मर्जी को मैं गल करके रहूंगा. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आज मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के वाले साहब जो मर्जी कहें, लेकिन उनको इस पोजीशन में लाने में जहां पे उनकी कम्युनिकेशन ऐसी खुल गई है, वो लाडले के लाए हैं, फील्ड खुल गई, सब कुछ, शिबाज शरीफ मेड दैट पॉसिबल. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात माननी पड़ेगी कि 9 मई से लेकर अभी तक आपका कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम नहीं कर सका. आपने आरिफ अलवी साहब की भी ड्यूटी लगाई, आपने और भी लोगों की कोशिश की, कोई आपके लिए किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं निकाल सका, और आज आपकी ये सूरत हाल है कि आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक पहुंचने चाहिए. ये भी इनको चेक करने की जरूरत है. झगड़ा साहब चले गए, काश मैं उनको ये कह सकता कि ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है. भट्टी साहब ब्रेक से पहले चंद जो खामियां बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें यह बहुत बड़ा है. सेकंडली, आपके पार्टी के अंदर आज भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अभी भी एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और वो लोकल जो यहां का लीडर है उसको किसी किस्म की गुफ्तगू करने के जो है वो मौका नहीं दे रहे, वो कंटिन्यूसली टारगेट किए जा रहे हैं. आपके लीडर्स उन लोगों के साथ इन टच हैं जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो वीलॉग्स करते हैं, लेकिन आपके लोग जा रहे हैं बार बार जाकर उनसे इन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. सो ये आपकी गलती है, आप उनको डिसोन नहीं करें. मुस्लिम लीग नून ने माजी के अंदर परवेज रशीद का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, डॉन लीग्स हुआ उसे पीछा छुड़ा गया, तुझे कुर्बान करना पड़ेगा हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, और बड़ा पुराना साथी था, आज भी वो वापस है, लेकिन फॉर दैट मोमेंट उन्होंने कुर्बान कर दिया, डजंट मैटर, हम तुझे कर देंगे कुर्बान. So, ये एक पॉलिटिक्स होती है, आपको ये रियलिटी है पाकिस्तान की, आपको करना पड़ता है. सो नाउ टुडे यू आर मिसिंग अ शिबाज शरीफ, काश वो होता तो आपके साथ कम्युनिकेशन का चैनल खोल लेते. शिबाज शरीफ आपको जो मर्जी है, नहीं सिर्फ सब शिबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज भी, एक मरियम नवाज भी उनके पास होनी चाहिए थी जो कि नहीं है. ना बुशरा बीबी बन सकी, ना अलीमा खान बन सकी,
और क्या मतलब है, मतलब मजामत होगी तो मफामत होगी। हाँ जी जी जी, दो दो चल रहे हैं ना, जैसे गुड कप बैड कप, वो मजामत की तो जगह यार। एक मिनट भट्टी साहब की बात तो पूरी सुने आप, जरा सुने तो सही। नहीं सुने क्या? नहीं सुने, नहीं नहीं तुसी गलत, नहीं नहीं सुने। भट्टी साहब प्रेजिंग मरियम नवाज, यू आपको मूवमेंट मूवमेंट को कैच नहीं नहीं करना चाहते, मूवमेंट को कैच चाहते ना ये। क्यों आप स्टार्ट करोगे, क्यों आप स्टार्ट करोगे? मरियम नवाज की रेडलाइन से शुरू कर दीजिए। तो शहबाज शरीफ अनडाउटेबली, क्या कहा मुस्लिम लीग ने ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 2019 में एस्टैब्लिशमेंट ने राबता कर लिया था कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज ले लें। कितने मजबूत राबते, गुलाब जामुन इलेक्शन से पहले भी कैबिनेट डिसाइड हो गई थी। वो तो वो छोड़ दें, शबाशी वजीर आजम बन चुके थे और काबीना फाइनल, और दो साफी ये पैगाम लेके आए थे, वो थोबड़े मुबारक आज तक सियाराज में। अच्छा कौन से शबाशी ने कहा दो साफी पैगाम लेके आए थे कि वजीर आजम बन के काबीना फाइनल, तो वो है। अच्छा अच्छा, दूसरी एक ये दूसरा गुलाब जामुन कोई खाने जा रहा है, कोई रात को फोन कर रहा है, कोई डिग्गी वाली बातें, कोई मलक अहमद, कोई फलाना, कोई इधर से लिंक, कोई उधर से लिंक, कोई दरमियान, कोई लेफ्ट, कोई जो हजूर, फिर कुरान पर एक्सटेंशन वाली वो, फिर उसके बाद एक वो दूसरा क्या, दूसरा क्या था, आईन कानून बाला दस्त, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, मर जाएंगे डो। ये धरती का बेटा है नवाशी, मरियम नवाज साहबा धरती का बेटा है नवाशी। जान है तो जान है भाई, सियासत तो आनी जानी चीज है, बोले क्यों जा रहे तो जान है, तेल नहीं है क्या नाम है घी, उसका भी आया था, देखा नहीं बात, जहान है तो जहान है। अब आप बताएंगे सीरियस गुफ्तगु हो सकती है कभी? मैं इसलिए मैं इनके साथ सीरियस गुफ्तगु है। अच्छा ये मेरे साथ इतना अटैच हो गए एक गुफ्तगु करने में, ये यार मंसूर भाई ने आपको शुरू में कहा है कि ये हिस्ट्री लिख के जा रही है, इसमें मुझे भी एक मरतबा सीरियस हो लेने दे यार। ठीक ठीक, अच्छा पक्का मुझे, अभी ब्रेक में क्या बात हुई थी तो वो करने देना। अच्छा फिर वो फिर खेडो, देखिए ऊपर 40 के खेलने वाले वेटरन लोगों, यंग लोगों को, कवारे लोगों को भी सुना करो। अच्छा अब इस पे ना कोई फिक्र हो। अच्छा पहली बात, मेरे महबूब कायद मैंने रिस्क फ्री वापसी हो, आप सोचिए किस तरह होए गारंटियों भरी वापसी, और फिर उसके बाद इश्तियारीपन खत्म, मुजरम खत्म, 7-8 दिनों में सारे केस खत्म, और अब इश्तिहार छपाए कि कोई है मुतासरा फरीक जिसको नाहली में तायात, नाहली में कोई है, कोई है शायर, कितना कोई शायर कितना बारीक है कि कोई है, और उसमें जाहिर है मैं तो हूं नहीं, मैंने सोचा कि मैं नाहल तो नहीं हुआ, नहीं फिर सोचा, फिर सोचा, फिर मैंने सोचा मेरा महबूब कायद और जहांगीर तरीन है। नाज़रीन मंसूर अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर आप गाड़ी में जस्ट पीटीआई का कोई सॉन्ग गाएं तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? पीटीआई को ना कन्वेंशन करने की इजाजत है और ना ही जलसा करने की, जबकि बाकी सारी पार्टियां अपने अपने जलसे कर रही हैं। काशिफ अब्बासी ने जब पीटीआई के तैमूर झगड़ा से कहा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आपके लिए कितनी मुश्किलात हैं, इस पर तैमूर झगड़ा ने कहा कि मुश्किलात कैसी, अब तो हमें इन सब बातों की आदत सी हो गई है, ये हमारे ऊपर जितना मर्जी जुल्म और जबर कर ले, मगर इसके बावजूद भी अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये सारी पार्टियाँ पीटीआई के सामने ढेर हो जाएंगी और पीटीआई भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।